हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्वास्थ्यपुर ऑफिस चैनल पे। मैं आपका अपना नरेश और भाई अभी मैं हूँ मालवीय नगर में और मेरे सामने ही यहाँ पे है भाई जैन मंदिर। जैन मंदिर के जस्ट अपोजिट ही लगाते हैं कार्ड, यहाँ पे मिलते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा यूनिक फास्ट फूड, जिसमें से एक यूनिक फास्ट फूड मैं आज कवर करने वाला हूँ और भी आइटम कवर करूँगा, जो आप देखते जाइए और बने रहिए इस व्लॉग में। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब कर देना, पास वाला बेल आइकन दबा देना हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो भाई चलते हैं, पता करते हैं मेरे को कितना टाइम हो गया यहाँ पे स्टॉल लगाते हुए, उनका टाइमिंग वगैरह क्या क्या रहती है, यहाँ पे कौन कौन से फास्ट फूड आइटम मिलते हैं। तो आइए लेट्स गो। तो ये भाई यहाँ के ऑनर, तो भाई आपका नाम बता दीजिए एक बार। सुशांत मोदक। तो भाई कितना टाइम हो गया अपने स्टॉल को? 6-7 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। ये मेरे सेटअप नहीं है, मेरे दीदी का सेटअप है। अच्छा, क्या करते थे? होटल मैनेजर, पढ़ाई भी इसी लाइन में किया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट किया दीदी ने। अच्छा, और हम संभालते। आप संभालते हो। तो अपने यहाँ पे कौन कौन सा आइटम मिलता है बता सकते हैं? यहाँ पे बर्गर मिलता है, ये मोमोस, अप्पे, ट्विस्टर, फ्रेंच फ्राइज, बहुत कुछ आइटम है। चीज बॉल्स है, स्प्रिंग रोल है, जो बहुत ही अच्छा बनाता है और अच्छे से बनाते हैं। अपनी टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पे? 3 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, रात के 10-11 बजे तक। रात के 10-11 बजे तक मिलता है, ठीक है। तो ये बस स्टिक होती है और ये आलू होते हैं। जयपुर में बहुत कम मिलेगा आपको ये आइटम। और ये होती है मशीन भाई, इसमें जाते हैं आलू। और ये मशीन स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनी होती है ना भैया? हाँ जी। और आप ये देखिए, ये कटिंग हो रही है इसकी। मेरे को जैसे पता लगा कि भाई मालवीय नगर में यार पटेटो ट्विस्टर मिलता है, मैं जल्दी जल्दी आपके लिए ना इसकी वीडियो कवर करने के लिए आ गया हूँ यहाँ पे। भाई देखिए, आप साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं भैया। और ये इसकी होगी कटिंग, हाइजेनिक आपको फुल मिलेगा, हाइजेनिक का कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास। जी हाँ जी, बिल्कुल भैया। जो भी कस्टमर आते हैं हमारे पास, सब हाइजेनिक देख के ही आते हैं। तो हमारा टेस्ट है, टेस्ट नहीं दे पाएंगे तो कस्टमर नहीं आएगा। सही बात है भैया, बिल्कुल सही बोले। और ये देखो भैया ने फैला दिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। और अब ये क्या होगा? इसके कोटिंग होगा अभी। तो भैया ये किस चीज़ का बेटर रहता है वैसे? ये तो हम बता नहीं सकते, दीदी ने मना करा हुआ है। सीक्रेट रेसिपी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आप देखिए भाई, बिल्कुल ही रेडिश कलर आ रहा है, जो भी इनकी सीक्रेट रेसिपी है इस ग्रेवी का। और उसको पूरा कोट कर दिया है। ये देखिए, इसमें आपको 3 फ्लेवर मिल जाएंगे। तो सिंपल पैरी पैरी, एक चीज़ पैरी पैरी और एक फुल लोडेड हम बनवा रहे हैं भाई, फुल लोडेड। बाकी आपके ऊपर है, आप कौन सा खाना पसंद करते हो। ये अब हो रहा है भाई फ्राई। ये देखिए, मेरा ही फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगा। मैं इसकी बहुत तारीफ सुनी है भाई, एक बार पटेटो ट्विस्टर खाइए। तो भाई मैं आज वही कवर करने आया हूँ। ये देखिए आप भाई, यहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं आप। ये देखिए, बिल्कुल ही कार एकदम साफ सफाई हो रही है। बहुत सारे बेस में क्या क्या है वैसे आप दिखा सकते हो? इसमें मोमोज के लिए चटनी रखा है, ये जो घर पे बनाते हैं हम। अच्छा, घर बनाते हैं ऐसे चटनी? हम गारंटी से कह सकते कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा भाई, ये हम घर पे बनाते पर्सनली। बहुत ही बढ़िया भाई, घर की बनी हुई चीजें मिलेगी आपको यहाँ पे भाई। आपको ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएगी, जैसे मॉकटेल्स वगैरह? मॉकटेल्स मिल जाएंगे। एक बार आप अपना मेन्यू दिखा दीजिए। एक बार मेन्यू देख लेते हैं भाई। ये देखिए, बर्गर 47 के नाम से। और आपको भाई देखिए, आप साइन जानते हैं भाई, प्योर वेज मिलेगा यहाँ पे। और ये सारे आइटम्स मिलते हैं भाई यहाँ पे। ये देखिए, इसको रोटेट भी कर लेते हैं। हमारा होम डिलीवरी भी है। अच्छा, आपका होम डिलीवरी भी है? हाँ जी। और ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर, और भाई डिलीवरी देते हैं 2 किलोमीटर, लेकिन मिनिमम ऑर्डर आपका ना 200 होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये फ्री डिलीवरी मिलेगी। और ये फ्राई हो रहा है भाई बर्गर की, अपने पास जो है मैकडी से भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा, गारंटी से गए? गारंटी। तो भैया गारंटी भाई, मैकडी से भी अच्छे बर्गर मिलेंगे, टेस्टी बर्गर मिलेंगे। ये देखिए भाई, इस टाइम में गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन भैया बता रहे हैं भाई हमारे यहाँ पे गारंटीड है ना, बहुत टेस्टी बर्गर्स मिलते हैं। और भैया कितना टाइम लगता है इसको बनने में वैसे? 2-3 मिनट लगेंगे। 2-3 मिनट लगेंगे। तो भाई 2-3 मिनट लगते हैं। और आप ये देखिए, ये बन चुका है। तो भाई ये निकल चुका है तेल में से, आप देखिए बिल्कुल रेडिश कलर आ चुका है और बिल्कुल अच्छी तरह से सिक चुका है ये। ये देखिए, और अब इसकी होगी प्रिपरेशन। और अभी आ गया भाई ऊपर से मसाला। ये भाई क्या मसाला रहता है? ये पेरी पेरी मसाला है। तो भाई ये पेरी पेरी मसाला आ गया ऊपर, ये देख लीजिए। आलू की भाई आपने ऐसी डिश बहुत कम देखी होगी, जयपुर में तो देखी नहीं होगी, मैं श्योर कर सकता हूँ। और अब जाएगा इसमें, देखिए क्या है। ये सॉस है। किसी की सॉस होती है? ये तंदूरी सॉस है। ये भाई तंदूरी सॉस आ गई ऊपर। और ये मिंट। ये मिंट सॉस आ गई ऊपर। ये देखिए भाई आप,
और ये वाली 1000। और आप देख सकते हैं भाई सॉसेस पे सॉसेस आई जा रही है, ये देखिए, और फुल्ली लोडेड होने वाला है भाई, ये देखिए, कम से कम 3-4 तरीके की सॉस आ गई है भाई ऊपर। आप जितनी आप बोतल देखें, सारी सॉसेस डली है इसके अंदर। वो सॉसेस भी अपने बस विवा का सॉसेस है जो बढ़िया है, और ब्रांडेड सॉसेस लगते हैं ये। और ये देखिए भाई हमारा ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं भाई कितना कलरफुल लग रहा है ये देखिए। तो भाई देखिए हमने बनवा लिया पोटैटो ट्विस्टर, और ये भाई फुल्ली लोडेड होने वाला है, इसमें 3 वैरायटी आती है जो मैंने बताई दी है, भैया ने बता दी है, हमने लगवाया ये वाला। एक बार टेस्ट करते हैं भाई और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। बिल्कुल ही क्रिस्पी और बिल्कुल ही टेस्टी भाई, हाईली रिकमेंड है कि आप यहाँ पे आगे ही टेस्ट कर सकते हैं, आपको वाकई में पसंद आएगा ये। इसकी एक और बाइट लेना चाहूँगा मैं, मेरी फेस पे भी सॉस लग चुकी है। आप ये भाई ज़रूर आइए, ज़रूर टेस्ट करिए, रेटिंग की तो मैं क्या ही बोलूँ, 5.5 कोई कमी नहीं है, सारी ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं जैसा कि भैया ने आप लोगों को बोला है। और इसके लिए तो भाई मैं हाईली रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप ये आइए खाइए और टेस्ट करके ख़ुद बताइए आपको कैसा लगता है। अब एक बार हम दूसरा आइटम भी बनवा लेते हैं और पूछते हैं भैया से इसके अलावा कि आप इनका बेस्ट सेलर क्या रहता है, तो भाई ये फिनिश कर लेते हैं और फिर दूसरा आइटम बनवाते हैं हम हमारा। तो आइए, तो दोस्तों भाई मैंने तो पोटैटो ट्विस्टर खा लिया है भाई, और मैंने तो भाई इसका टेस्ट कहीं नहीं मिला मुझे, और भाई मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जो कि बहुत ही अच्छा था। और भाई टेस्ट की बात करूँ तो भाई एक नंबर टेस्ट है, आप ट्राई कर सकते हैं। अब बनवा लेते हैं यहाँ के यहाँ पे इनका वेजी आलू रैप, जो कि भाई मैं फर्स्ट टाइम ही खाऊँगा। तो भाई आलू की टिक्की जा चुकी है अंदर, ये देखिए, और ये इनका आइटम फ्रोजन वाले इसमें रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं सारे ब्रांडेड आइटम मिलेंगे यहाँ पे आपको, कोई भी लोकल आइटम नहीं मिलेगा। और ये क्यूट सी सेटअप है, और अभी हो रही है इसकी प्रिपेयरिंग। यहाँ पे आ गए आलू टिक्की, कैबेज, लेटर्स है क्या, लेटर्स है। अच्छा भाई देखो भाई नाम भी बोला नहीं जा रहा मेरे से। अब यहाँ पे आ गए प्याज, एक स्लाइस टमाटर की, और भाई बिल्कुल ही हेल्थी रहने वाला है भाई ये आइटम भी, और यहाँ पे आके आप ये भी ट्राई कर सकते हो। और अब ओरियन की बारीक बारीक चॉपिंग, और ये आ गया 20। यहाँ पे हमारी आलू टिक्की फ्राई हो चुकी है, अब तो थोड़ा बहुत सेकेंगे ये देखिए, जिससे क्रिस्पी हो जाए थोड़ा सा। तो भाई यहाँ पे ये सिक चुका है अच्छी तरह से, इस पर आ गई हमारी वेजिस सारी की सारी, ये देखिए, और बिल्कुल ही हेल्थी रहने वाला है भाई ये। ऊपर से आ गई सॉसेस, बिल्कुल ही हेल्थी रहने वाला है भाई, आप यहाँ पे आके खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादा कैलोरीज लेंगे, नहीं भाई टेस्ट वो इस कैसा का वैसे मिलेगा, और ये बिल्कुल हेल्थी रहने वाला है। ये आ गई आलू टिक्की 70 रुपीज़ 3 पीस। ये आलू टिक्की कट के डल चुकी है इसके ऊपर, ये ऊपर से और सॉसेस, ये देखिए भाई स्पाइसी करो, हाँ थोड़ी सी स्पाइसी, और भाई हमने करवाई है स्पाइसी क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, ये देखिए, और ये बिल्कुल ही कलरफुल हो गया है, बिल्कुल ही लोडेड, ये देखिए, और बिल्कुल ही हेल्थी रहने वाला है।
अब इसको रोल करेंगे। काटना है बीच में? नहीं नहीं, ये हो चुका है भाई प्रिपेयर। अब खा के हम टेस्ट बताएंगे भाई हम कैसा लगता है टेस्ट में। और भाई यहाँ पे बन चुका है हमारा चीज़ी रैप, और आप ये देख सकते हैं भाई बिल्कुल ही हेल्थी रहने वाला है ये। भाई ये टेस्ट करते हैं, भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और भाई इसको खा के ना मुझे ना सबवे के जो फूड होते हैं ना मुझे उनकी याद दिला रही हैं, जो सबवे में जो फूड मिलते हैं, जो क्वालिटी मिलती है, जो टेस्ट मिलता है, बिल्कुल सबवे ज़्यादा टेस्ट दे रही हैं। और इसकी मैं एक और बाइट लेना चाहूँगा भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। थोड़ा सा फाड़ लेते हैं भाई, इससे एक बड़ी बाइट लेते हैं। एक नंबर टेस्ट है भाई। मैंने मतलब स्ट्रीट फूड में ऐसा रैप तो कभी नहीं खाया, और मेरा ये फर्स्ट टाइम था, और मैं जो वो पटेटो टोस्ट था वो भी मेरा फर्स्ट टाइम था। तो आप भाई जिसका भी अफोर्डेबल प्राइस में वेजी रैप खाना है, आलू रैप, तो आप भाई ये ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए अगर इसकी टेस्ट की बात करूँ तो भाई इसका भी नो डाउट एक नंबर टेस्ट है, और ये भी हाईली रिकमेंड है कि भाई यहाँ पर आके आप ये खा सकते हैं और भाई लुत्फ़ उठा सकते हैं इस रैप का। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करूँ मैं दोनों आइटम की, भाई 10 में से 10 नो डाउट, कोई कमी नहीं है भाई। और भाई बिल्कुल ही हेल्थी चीज़ मिलने वाली है, और भाई साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो हमारा वीडियो भाई यहीं तक था, हम मिलते हैं आपको अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए खिलाते रहिए, अलविदा।